बरी में पहली बार आरके आर्ट एवं प्रतिभा कला कुंज की ओर से प्रखंड मैदान बरी में अनुमंडलीय स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बरी अनुमंडल के लगभग एक दर्जन स्कूलों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक मनोज कुमार यादव, मोहम्मद सबीर अहमद, बीडीओ जीतराम मुर्मू, बरी विकास मंच के अध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद, बीएस के संरक्षक अब्दुल मनान वारसी एवं बुद्धिजीवी मंच के महासचिव महेंद्र प्रसाद दुबे, आयोजक रवि कुमार केसरी ने दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया। इस प्रतियोगिता में चार ग्रुप बांट दिया गया था। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाया। वहीं सफल प्रतिभागियों को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। स्तर पे कर रहे हैं हम, उसको किस स्तर पे और ऊपर ले जाए, ऊंचाइयों तक ले जाए। जब हमको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम अपनी प्रतिभा को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। एक महान चित्रकार थे, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है रवि आर्ट प्रतिभा कला कुंज और नीति मोहन पब्लिक स्कूल। इन तीनों संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से आज का ये पेंटिंग कंपटीशन यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसके पूर्व हम लोगों ने भी अनुमंडल कार्यालय की तरफ से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के एक पेंटिंग कंपटीशन इसी चिल्ड्रेन पार्क में यहाँ पे हम लोगों ने आयोजित किया था। बहुत ही खुशी की बात है कि उसके कुछ ही दिनों के बाद कुछ और लोगों ने प्रेरित होकर के एक और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया है। बच्चे खामोश रहो जरा। इसलिए प्रतिभा कला कुंज के द्वारा जो प्रयास किया गया, जो पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, निश्चित रूप से इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो शायद कम होगा। यह प्रयास बड़ा ही सराहनीय है और जैसा कि आज बच्चे अपने अभिभावक के साथ इस पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल हुए, कुछ लोग निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाए सीमित समय में, कुछ ने प्रयास किया और चंद लोगों को इसमें प्राइज ही मिलेगा और कुछ लोगों को प्राइज नहीं भी मिलेगा। लेकिन मैं तमाम उन बच्चों को जो प्रतिभागी बच्चे हैं, जिन लोगों ने जो लोग शामिल हुए, उन सबों को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके अभिभावकों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चों को मोटिवेट करके, अपने बच्चों को सहयोग करके आपने इस कला प्रतियोगिता में सम्मिलित कराया। निश्चित रूप से कुछ लोग सफल हुए, कुछ असफल हुए, लेकिन मेरा मानना है, मैं मार्टिन लूथर की एक कविता की दो लाइन कहना चाहता हूं कि कविता का अर्थ यही, तो इंग्लिश में था कविता, लेकिन कविता का अर्थ यही है कि यदि तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलना सीखो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलने की शुरुआत करो, यदि चल नहीं सकते हो तो रेंगने की शुरुआत करो। मैं साधुवाद कहता हूं कि जो बच्चे आज प्रतिभागी में शामिल हुए, जो सफल हुए, जो असफल हुए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप सफल होंगे, आप सुंदर कलाकार के रूप में आप सम्मानित किए जाएंगे। आज प्रखंड मैदान में आरके आर्ट और प्रतिभा कला कुंज के द्वारा जो पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें स्पॉन्सर के रूप में लिटिल मून प्ले स्कूल के द्वारा स्पॉन्सरशिप किया गया। प्रतियोगिता में बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया और इससे विद्यार्थियों में रुचि बढ़ी, जो कि बहुत अच्छा हुआ। और मैं आगे भी चाहूँगा कि लिटिल मून प्ले स्कूल के द्वारा ऐसे प्रतियोगिताओं का स्पॉन्सरशिप किया जाए। आरके आर्ट एवं प्रतिभा कला कुंज बरही के द्वारा आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा रहा, सफल रहा। इसमें बरही प्रखंड के सभी विद्यालयों ने, लगभग सभी विद्यालयों ने अपनी भूमिका निभाई और पेंटिंग प्रतियोगिता में अपने बच्चों को लाया। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरह के पेंटिंग बनाकर यहाँ पे दिखाया। निर्णायक मंडली के द्वारा सभी बच्चों का चयन हुआ, जो अच्छे बनाए थे उन्हें सम्मानित भी किया गया। कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो शायद लगता है अपने विद्यालय में सब सिखाते नहीं हैं, इसलिए उनके बच्चे यहाँ पेंटिंग बनाने से वंचित रह गए। उम्मीद है कि अगले बार जब
ऐसी प्रतियोगिता करवाएंगे तो उनके बच्चे भाग जरूर लेंगे। और इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री मनोज कुमार यादव, विशिष्ट अतिथि SDO साहब मोहम्मद सबीर अहमद, बरही BDO जीतराय मुर्मू सर और भी बहुत लोग उपस्थित थे। क्या उद्देश्य था आपका? क्या उद्देश्य था आपका इस पेंटिंग के प्रति? यही उद्देश्य था कि बरही में कुछ बच्चों के अंदर पेंटिंग के प्रति रुचि थी, हम चाह रहे थे कि उनके अंदर जो पेंटिंग की रुचि है उसको बढ़ावा दें ताकि वो भविष्य में कुछ और पेंटिंग के अलावा पेंटिंग में कुछ कर सके, बस ये चाह रहे थे हम।